पेज के कुर्चा कर रुपये। हमने फोन लो बू, फोन चोरी हुए गो। हमने कहा अब हम वीडियो वीडियो बनाइए ना, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा आना एक अच्छी चीज भी है, एक ना भी अच्छी चीज है। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दरअसल एक ऐसा घर जिस घर में चार बेटियां पैदा हो जाती हैं, पिता का साया सर से उठ जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब चौथी बेटी पैदा होती है तो घर में परेशानी पैदा हो जाती है कि यार ये लड़की कहाँ से पैदा हो गई। लेकिन उस लड़की के लिए एक रिश्ता भी आ जाता है। रिश्ता आता है तो रिश्ता आने के बाद वो लड़का उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है कि भाई हमें इनसे शादी नहीं करनी है, ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, दूसरा ये सांवली हैं, मतलब इनका रंग थोड़ा सा गहरा है, तो इसलिए हम उनसे शादी नहीं करना चाहते। माँ की एक परेशानी थी कि चार बेटियाँ थीं, तीन की शादियाँ हो चुकी थी, चौथी बेटी की शादी करना बाकी था। माँ को चिंता थी क्योंकि पति थे ही नहीं, और जैसे तैसे करके उन्होंने जीवन काटा। कई बार ऐसे भी होता था कि फाके की भी पड़ जाया करते थे, यानी कि रोटी के भी लाले पड़ जाया करते थे। लेकिन जो चौथी बेटी पैदा हुई थी, जिसको लेकर दिक्कत परेशानी पैदा हो गई थी, लोग ये सोचने लगे थे काश बेटा पैदा हो जाता। वो बेटी, बेटी जरूर पैदा हुई थी लेकिन उसने वो काम किया जो शायद बेटे भी नहीं कर पाते। तो आज ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं उस बेटी से मिलने आया हूँ जिसको पूरा भारत देखता है। अगर हम बात करें तो आज उसके पीछे 70 लाख लोगों की फौज है। 70 लाख तो मेरे ही आंकड़े, हो सकता है कि उनके आंकड़े कुछ और हों। उन्हें आज करोड़ों लोग देखते हैं। कौन नहीं पहचानता उस लड़की को जिसको मैं लड़का बार बार कह रहा हूँ। उस लड़की का नाम है शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत थैंक यू, सबको मेरा नमस्ते। शिवानी जी, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि बात ये साल 2019 के आसपास की रही होगी, 19 या 20 के आसपास की। उस वक्त टिकटॉक का ज़माना हुआ करता था। हाँ भैया, चुपके से मैं ड्यूट किया करता था मेरे साथ। हाँ, लेकिन वो मैं पब्लिकली नहीं किया करता था, मैं रिपोर्टिंग किया करता था अखबार के लिए, और चुपके से छत पे बैठ के बनाया करता था। मैं बड़ा मतलब अच्छा सा फील कर रहा हूँ कि आज मैं उसी शख्सियत के पास बैठा हूँ जिसकी वीडियो में ड्यूट किया करता था। अब भैया क्या बताएं, हम भी भैया आपके वीडियो देखते थे। मेरी वीडियो देखते हाँ, थे? जो भी न्यूज चैनल देखते हैं सबसे पहले आपके ही न्यूज के वीडियो हम देखते थे। अच्छा, हाँ। आपको क्या अच्छा लगता था उसमें? आप एक एक पॉइंट इतने अच्छे तरीके से बताते हो, अनपढ़ कितना भी इंसान खराब बैठा लेकिन आपकी न्यूज समझ लेगा। शिवानी जी, पता है आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है और जब आप बोलती हो तो ऐसे लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं और जब आप हंसती हो तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हो। थैंक यू। लेकिन आज आप ऐसे लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रही हो। आप वैसे नहीं बोली, जैसे रोज बोलती हो। हम वैसे ही बोले हैं जी, हुई ना बात। शिवानी जी, हाँ। जैसे अपना जो अपना सफर शुरू किया था, अगर हम उसकी बात करें तो ये कैसे दिमाग में आया कि एक तो चार बेटियाँ, माँ नर्स का काम करती थी, घर में बड़ी दिक्कत हो जाया करती थी, ऐसी स्थिति में आपको पैसे दिए 7,000 रुपये कि जा बेटा फीस भर देना। 9th क्लास में थी शायद उस वक्त। हाँ। और आपने फीस के पैसे से मोबाइल खरीद लिया। अब ऐसा था कि मम्मी से हमने कहा मुझे फीस के पैसे दे दो, तो मम्मी की पैसे तो नहीं है हमारे पास, हम उस टाइम हाई स्कूल के पेपर ऐसे मास्टर बैठने नहीं दे रहे थे, तो मम्मी ने गल्ला बेच दिया, घर में जो नाज था उसको बेच के हमको दिए कि फीस तुम भर दो जाके। तब तक 10 दिन की छुट्टी भूल गई। हमने वो पैसे जो थे, हमारी बड़ी दीदी आई है वो, उसको हमने दे दिए थे। हमने कहा दीदी ये तुम रुपए रख लो, हम आएंगे तब फोन खरीदेंगे आके। तो दीदी बोली कि फिर फीस? हमने कहा तुम फोन खरीदवा दो, मैं फीस अब तो छुट्टी है फिर देख ली है। तो फिर दीदी के घर हम गए, दीदी ने 3,000 रुपया बामा मिलाए, फिर मैं 10,000 को नहीं, 1,000 रुपया दीदी ने मिलाए, 8,000 को फोन लो तो ओप्पो को। वो वीवो का? हाँ वीवो, वो वीवो। हाँ, आपको पता है हमसे ज़्यादा। तो पहली लाइफ जो थी आपकी, एक ऐसी लाइफ जब कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है और पढ़ाई की भी दिक्कत हो रही है, पैसे थे नहीं, गांव में किसी से अगर हेल्प के लिए भी अगर जा रहे हैं तो पता चला कि वहाँ तो सिर्फ ब्याज पे ही पैसे मिलते हैं, तो वो दौर कैसा था बोला? अब
ऐसा था कि मम्मी की चार बेटियां थी और उसमें से बहुत मुश्किल से तो शादी कर पाए। पापा थे, पापा ने खेत गिरवी लगा रखे थे, पापा ख़त्म हो गए उस टाइम, हम तो एक साल के ही थे, पापा ख़त्म हो गए, फिर मम्मी अकेली पड़ गई, तो खेत गिरवी रख दिए। और जब पापा ख़त्म हो गए तो घर परिवार के लोगों ने मुकदमा लगा दिया, 15 साल मम्मी ने मुकदमा लड़ा। तो उसके बाद लड़कियां भी बड़ी हो रही थी, शादी करना भी था, तो मम्मी ने ब्याज पर रुपए लेके शादी भी की है। तो जब पैसे किसी से मांगने जाओ तो इसलिए देते थे कि इनके पास खेती है, खेती हम बिकवा लेंगे फिर हम पैसे ले लेंगे। तो ब्याज पर कोई 10% कोई 5% ऐसे ब्याज दे, तो 10,000 अगर ले तो 5% को ब्याज दो। कभी कोई ना ऐसे रुपए नहीं दे कि आप हमारा पैसा ले जाओ, पैसे ही लौटा दियो, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा आज तक कोई नहीं मिला। तो ये अचानक से कैसे दिमाग में आया कि, क्या आपको पता था, आपने फ्यूचर देख लिया था कि आगे चल के शिवानी कुमारी एक बड़ा नाम हो जाएगी? शिवानी कुमारी के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बड़े बड़े मतलब फॉलोवर होंगे, देश के बड़े बड़े लोगों से मिलती रहेगी। कभी सोचा था कि आपने वो फीस के पैसे, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप पढ़ के कोई बड़ा ऑफिसर बन जाती? हो सकता था, लेकिन उतनी अच्छी हमें पढ़ाई नहीं मिल पा रही थी, ऑफिसर बन पाते। फिर यही चाह रहा था, हम सबके वीडियो देखते थे, कोई जैसे भैया आ गए, माँ भैया यहीं रहते, मोहल्ले भैया हैं, कभी इनके फ़ोन में देख लो, कभी उनके फ़ोन में, तो हमें भी एक ये लगा था कि हमें इसमें कुछ कर सका था, हमें फ़ोन मिल जाए तो हम वीडियो बनाए वो चालू कर दें। एक बहुत मन में उमंग जागत थी कि हम वीडियो बनाए वो चालू कराएं, बस हमारे पास फ़ोन हो वो चाहिए। इस फ़ोन आ गया, आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो कितने साल के बाद आपकी वीडियो वायरल हुई थी? 1-2 साल हम ऐसे ही बनाते रहे वीडियो, तो जैसे थके गाना पर, हाँ गाने पे बनाते थे, लिप सिंग नहीं करते थे, लिप सिंग करते थे, डांस डांस करते थे। अच्छा अच्छा हाँ। तो जैसे आप वीडियो बनाते थे तो आपने एक बनाया, दो बनाया, चार बनाया, तो अभी कभी माँ ने आपको परेशान नहीं किया कि क्या करते थे? जब वीडियो बनाते, पहले हम चुपचाप से वीडियो बनाते, आईडी को नाम हम करे थे जानवी शर्मा टिकटॉक पर। अच्छा हाँ, फेक आईडी बनाए थे हम। तो जानवी ही नाम क्यों सोचा आपने? बस ऐसे फ्रेंड थी आपकी? नहीं, ऐसे हम सोचे का नाम रखे, हमने जानवी रख दो। अच्छा हाँ, तो ऐसे हमने आईडी फेक जानवी के नाम से फेक आईडी बनाई और उस पर हम वीडियो चुप चुप के डालते थे, चुप चुप के, घर में काहू को नहीं बताए। कब तक चलता रहा ऐसे? ऐसे 1 साल तक तो ऐसे चलत रहो। फिर एक वीडियो मेरी ऐसे डांस की थोड़ी सी 2-3 हज़ार व्यूज आए गए पापा। 2-3 हज़ार? हाँ, तो एक यही मोहल्ले के लोगों ने देख ली कि तो शिवानी नाच रही। अच्छा, तो मेरी मम्मी का बता हुआ है, डांस के वीडियो दिखाया है कि तुम्हारी बेटिया यूँ ही करती कर रहा है, गाँव मोहल्ला बच्चा खराब है जाइए, ऐसे नहीं कर वो चाहिए ना, मना करो। तो मम्मी हमारे पास आई कि तुम ये काहे करती हो, देखो गांव के लोग बदनामी उड़ाते हैं कि तुम्हारे भैया नहीं है, पापा नहीं है, तुम ऐसा काम करे हो तो मेरी नाक नीची हो जाइए। फिर हम जब खेतन में काम करने जाते तो हम वीडियो बना लेते खेतों में भी, हाँ चुपचाप से कि मम्मी नहीं जाने। फिर ऐसे वीडियो बनाने लगे हम, फिर मम्मी के लोगों ने कही, फिर मम्मी ने मुझे इतनों मारो इतनों मारो कि या पैदा होत खन मर जाती, पूरा नाम खराब कर दो, बाप नहीं है, बताओ का लोग सोचे हैं, मातारी नहीं आई संस्कार दे हैं, नचनिया बना हुआ बिटिया का। तो फिर वैसा हूँ, बचपन से प्यार नहीं मिलो, एक लड़का की औरत थी, बिटिया पैदा होगी, अब फिर हम ऐसे काम कर रहे हैं, तब मम्मी खिसिया रही हैं, मार रही हैं, मेरे इतने बाल नोच ले पूरे इधर गंजे हो गए, तुम चक्कू उठा ली, बच गई वो सुमन दीदी थी, उन्हें पकड़ ली, उन्हें तो पा रही थे ऐसे कि ऐसे काम कर रहे हो तो लाओ हम तुम्हें मार ही डाल रहे हैं जब तुम मने हो ना। फिर हमने 2-3 महीना वीडियो बनाया वो बंद कर दे, अब हमें लगो कर कि हम वीडियो बनाए, फिर किरण काट लिया, फिर वीडियो बनाए, फिर हम बनाने लगे। फिर एक बार हम ऐसे मजदूरी करके आए, मेरे घर में किसी के पास चप्पल नहीं थी, नंगे पैर ऐसे दौड़त फिर रात थे, हमें 200 रुपया मिले थे मजदूरी के। अच्छा, तो दीजिए हमने कि दीजिए चप्पल खरीद ला जाए सबकी, दीजिए बोली चली जाओ, तो हम चप्पल खरीदने गए थे पूरे घर की, तो हम फोन लाए थे हाथ में, हमने कि वीडियो बनाए ना चप्पल खरीद लाए। तो हम
कैमरा खोलो, इत्तफाक वो हाय फ्रेंडा मेरे मुंह से निकल गयो। मतलब आपने कहा, आपने बोल के दिखाना कैसे बोला था कि हाय फ्रेंडा हम चप्पल खरीद लाए पूरे घर की, यही हमने अब जाके मम्मी को बताइया जाए। ऐसे मुझे सिखाओ ना इसे, हाय फ्रेंडा मतलब मैं बोलूंगा वैसे। हाय फ्रेंडा हम चप्पल खरीद लाए, हाय फ्रेंडा हम चप्पल खरीद लाए, अब मम्मी को जाके बताइया जाए। तो हमने ऐसे वीडियो डाल दी, तब हमने नाम चेंज कर दो तो शिवानी कुमारी कर लो, तो फिर अपना असली मतलब एक ऐसा नाम हमने इस वजह से चेंज कर दो। तो मेरे बगल में एक छोटी सी इतनी बड़ी बिटिया आती और उनको बे जानवी शर्मा के नाम से आती, तो बोले उनसे छोटू भैया आते, उनसे बोले कि ले हो गई तुम्हारी बिटिया का नाम करे घूमती है ऐसे, फिर लड़ाई हो जाती या की वजह से हमने जानवी शर्मा हटाएगा शिवानी कुमारी कर लो। अच्छा अच्छा, अपना मूल नाम रख लिया, अपना नाम रख लिया। वही 321 क्या है वो 321 भाई, कहते हैं वो बन नहीं रही थी आईडी की, कोई नंबर डालो पीछे, तो हमने 321 कर दो। और 321 आज तक चला रहा है। हाँ, अभी तक चला, टिकटॉक पे भी चला रहा है। हाँ। मैं अब मैम ये देख रहा था शिवानी जी कि जब टिकटॉक बंद हो जाता है तो आपके रोने का वीडियो वायरल हो जाता है कि फिर लोगों ने आपकी मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो आप जब हमने टिकटॉक पर वीडियो, फिर हमने आए फ्रेंडा वालों वीडियो बनाओ तो वायरल हो गो, वो रात और रात 40 मिलियन चल गो। 40 मिलियन रात और रात, मतलब 4 करोड़ लोग आपको देख चुके थे। हाँ। अच्छा, अब लोग लड़का बेटियाँ सब इन पर मिलन है, पहले पास मेरे 2 लड़का आए मिलन, आप मम्मी कहाँ है ये अमे, लड़का कहा है हमारे आए रहे हैं, अमरेश्वरी फिर आगे पीछे कहीं ले कहीं अब्बा के डेंगा लड़का आन लगे, हम कह रहे थे नाम कटाए दिया। एक बार अमरेश्वरी को दिखाओ, इन्होंने पहले बाल उखाड़ दिए थे मार मार के, और फिर बाद में फिर चक्कू मार दे। फिर आगे क्या हुआ जब? फिर हम वीडियो, तब लड़का आए दो, मम्मी बोली कि ये लड़का का है मारे आए हैं, इतना परेशान कर रखो है, तो मना करी थी ना वीडियो ना बनाइयो, तुम तो मनिया नहीं, चलो तुम अपने अपने मन को करो। अब मम्मी ने इतनो कह के, अब हम समझाएं कैसे, हम कहा भैया चले जाओ, अब मेरी मम्मी बहुत चिल्ला रही हैं, हम फोटो वीडियो कुछ भी नहीं दे पाए हैं। तो मम्मी बोली कि ना तुम जाओ, फुक्कन संग अठलाओ जाए, जाओ जाओ तुम लड़का नहीं संग जाओ, अठलाओ मतलब लड़का नहीं संग रहा जाए, नहीं संग घूमो। हाँ, हमने कि अब कहा करें, हमने भैया फोटो नहीं दे पे, आप जाओ, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही। फिर दूसरे आप मम्मी कहाँ या वीडियो बनाए, वो ना ही बंद कर रही है, ले हम घर छोड़ कर जा रहे। मम्मी निकल गई स्टेशन पर, स्टेशन पर रुकी 2 दिन, हम लोग लिवान जाएं, हम गोरेलाल सब लोग कि मम्मी चलो अब हम वीडियो बिल्कुल नहीं बने हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि माँ घर से नाराज होकर चली गई। हाँ, मम्मी घर से निकल गई, ये स्टेशन पर रुकी जाए, अब हम लोग लिवान जाएं कि मम्मी अब वीडियो बिल्कुल नहीं बने हैं। मम्मी सही बता रहे, तुम्हारी कसम मम्मी वीडियो नहीं बनाए हैं। लेकिन मम्मी कहे ना तुम मनियो ही नहीं। फिर हमने कही, फिर हम वीडियो माने तो ना ही हम वीडियो बनाए बहुत खैर नहीं माने, हम कसम तो खाए गए मम्मी की, हम सोचे कसमों खाए गए वीडियो, हमने कहा कोई कसम खाए भी मरत नहीं, झूठी झूठी खाई जात है। अब फिर हम बनाने लगे वीडियो, फिर हमने बोल का बनाए दी, फिर वह वायरल हो गई। अब ऐसे वायरल हो चली गई, फिर गोरेलाल समझाएं कि अरे बुआ ये ठीक है, बना दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कि बना दो वीडियो, बनाओ लो बनाओ तुम। फिर ऐसे कुल लोग फिर धीरे धीरे करके समझाए पाओ मम्मी का कि ऐसे लोग आन लगे हैं, तुम्हारी बेटी का नाम है गो है, सब लोग जानन लगे हैं ऐसे। फिर तब तक टिकटॉक, फिर मेरा फोन चोरी हुए गो, फोन चोरी हो गया। हाँ, वही वीवो का फोन जो लिया था फीस भर के, फीस के कुर्चा करके रुपये हमने फोन लो, वो फोन चोरी हुए गो। रात में हमने, ये मेरा जिंगला है पुराना जिंगला, यहीं पे हमने लगा के छोड़ दिया फीस के ऊपर वाला जो सीन है। हाँ, तो यहीं से कोई उठा के ले गया उसे। यहाँ मतलब पहले वहाँ गेट वेट नहीं थे, बस ये कमरा था, ये पुराना ही कमरा है मेरा, ये हमने तोड़वाया नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बस एक यही कमरा था, पूरे ऐसे छप्पर अप्पर रखे थे इन पर, तो मेरे पास गेट एट कुछ भी नहीं है तेवा टाइम। तो कोई आओ या पता नहीं, रात में उठा ले गो फोन ही। अब हम तो रोए हैं कि यार हमने कैसा फोन ले पाए, कैसा वीडियो बना पाए, फोन इतनी मार खाई वीडियो बनाए पीछे। अब जब मम्मी थोड़ी
शांत भाई, तब मेरे फोन चोरी होएगो। अरे मुझे लग रहा कि अमरीश पुरी तो नहीं नहीं चुराया कहीं। ये वो सोच रही है, वो कह रही थी तब तो काटते सही दरा फोन, मेरी बातें नहीं मानती है। आपने देखा किसी को जाते हुए? हाँ, हमने कहने करने कर गो कौन बिटिया। हाँ तो देख लियो तुम, तब तक तो चोरी हो गई। आपकी तो मन की हो गई? मन की तो कहा हो गई हमारे बेटी की, तो कहाँ मोबाइल बनाने दे रही थी आप? अब तब तो मन की नहीं है, मतलब वीडियो बन कर तैयार हो गई है, अब चलने लगी वीडियो। अच्छा। तो अब कैसे मन की हो जाए? फोन चोरी हो गो, बीना दीदी आई उसी टाइम, जीजा आए थे उनके ही साथ, तो हमने जल्दी से आईडी खोली होगे, फिर हमने दो वीडियो बनाए दी। अब हमने की जब तक दीदी रहे तब तक तो वीडियो बनती रही है। अब जीजा आए, जीजा दूसरे दिन बोले कि चलो अब बीना घर है, मेरे धक धक हो कि दीदी चली जाए, फोन लेके जाइए संग। तो जीजा बोले शिवानी आके मारे कह रही है कि फोन लेके जाए तो दे दो भी ना, हम तुम्हें दूसरों ले दिए चले। जीजा ने कहा? हाँ। अरे क्या बात है। अब जीजी ने, मेरी बहन बहुत बीना जी हमेशा यही कि फिर बीना जी ने अपना फोन दे दो, एक तो धक धक हो कि माओ फोन चलो जो पता नहीं है मन लिवा कि ना। फिर हमने कि ना ले जाओ बीना जी, फिर जबरदस्ती में फोन दे दो कि तुम बना वीडियो। फिर हम टिकटॉक की वीडियो बनाते बनाते, अब टिकटॉक बैन, टिकटॉक बंद हो गया। हाँ, अब टिकटॉक ही बैन हो जाए, अब टिकटॉक बंद है। हमने कि ले आओ पता ही है, हमने कहा मेरा धर्म वीडियो बनाए, मैं इतनी मार खाई सब कुछ करे, अब टिकटॉक बंद हो जाए तो। अब फिर मम्मी चिल्लानी, मेरी बात मान लेती हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े लोगों की बात मान गो छिंगे। एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस हो लगा। हाँ, देखो वो बंद। हाँ। का या मैं तुम ना मारू खाई सब कुछ करो, कहाँ मिलो कहाँ मिलो, जब मिलेगा तब तो चलो गो टिकटॉक, ऐसे ही बोले। हाँ। अब हम मम्मी बोली कि चलो अब कोई बात नहीं, शादी आदी कर दी है, अब जाओ तुम अपने घर जाओ। मम्मी फिर फिरोजाबाद गई, तब मेरी बड़ी बहन की सास थी, तो उन्होंने कही कि समझे नहीं ये लड़का है ना, तुम ब्याह कर दो शिवानी को। अच्छा। तो मम्मी ने कही ठीक है कर दिए। फिर लड़का उड़का, मम्मी ने लड़का का 500 रुपये उधर दे। वो उसको पसंद भी कर लिया। हाँ, कि रोकना होता है इसको। हाँ, कई लड़का हमारा हो गया। हाँ, तो ऐसे जब लड़का देखो कहा ये ना कहीं नहीं करे है, इतनी करिया है और पढ़ी लिखी है ना। आपके लिए बोला? अब मुंह बंद मेरो, हम कहाँ है, हम चुप्पा चले आए। फिर हमने फिर मन फिर मंदिर आके इतने खुशी भाई हमने सही रो रहे जाकर कर लो। हमने कि सही रो लड़का, सही लड़का हाँ कर दे तो मेरी शादी हो जाती। फिर हम फिर हम लेकिन फिर उस टाइम 15 दिन बाद अभिषेक सर, अंशुल सर आते हैं। अब हमने तब गांव की वीडियो बनाए वो चालू करे थे, पहले गांव की बोली नहीं कोई बोलत, तो बन बन का बोलते मैं यहाँ जा रहा हूँ ये खा रहा हूँ, ऐसे बोलते कि हम गमार ना बोले जैसे मैं बोलता हूँ। हमने सोची अपनी भाषा में बोले, बिना सोचे समझे हमने कैमरा उठाओ अपनी भाषा में बोल दई। एक तो मेरे घर ही आओ ऐसे ये देखो छप्पर अप्पर डरो है, वीडियो बनाती हैं यही गंवार पंती देती रात ही पता नहीं कहाँ दिन का भूत चढ़ गया। ट्रोल करना शुरू कर। हाँ, जब सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ हार चुके, तब यही बस फिर वही मजूरी काम। तब तो टिकटॉक्स में पैसा तो नहीं आता, तो बस यही खुशी होती कि वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, देख रहे हैं। काम तो तब भी हम खेत में कर रहे थे और कर ही रहे थे। तब अब से कंसुल सर आए तो बोलते हैं कि तुम टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी? हमने कहा हाँ बनाते थे। तो मम्मी बोले अजय और आए गए बजाए दो। मेरे पे एक और लड़का तो बाहरी, उसने बजाए दो, भगा दिया। भगा दिया। हाँ। अच्छा। कि जाओ अंदर कुछ नहीं जाओ शिवानी वानी ना जाओ ऐसे। अब फिर वे दूसरे दिन आए गए तो हमें मिले, बोले कि हमें बस तुमसे 5 मिनट बात करनी है। निका बात करे हो आप हमसे कि हम यूट्यूब के बारे में बताओ चाहता तुम्हें। हमने कि भैया, हमने कहा हम वीडियो वीडियो बनाइए ना चाहे कुछ भी हो जाए। कि नहीं बना चाहे ना बना एक बार हमें बात सुन लो। फिर हम बैठे उनके पास, यूट्यूब के बारे में बताते रहे जैसे एक
पहली पहली बार बच्चा पढ़न जाइए कहाँ कुछ सीख पाई है, ऐसे बतात रहे यूट्यूब कर ये है वो है, हमारे तो सुना है तो निकाल दे, पता नहीं क्या बताए रहे जे यूट्यूब के बारे में, ना समझ में आ रहा ना कुछ। तब तक आप यूट्यूब को नहीं जानते थे कि यूट्यूब क्या है? नहीं, सिर्फ टिकटॉक। इस चैनल तो ऐसे ही किसी ने मेरा बना दिया था, रखा ही था वो। अब अम्बा मैं जानती नहीं काम कर वो, फिर अब शेख सर ने बनाओ माओ चैनल, उन्हें पूरे मतलब आज तक अब शेख सर ही चैनल चला रहे हैं पूरा। अब शेख सर ने चैनल देखा, अब सब लोग ये कहते थे देखो अब जे आए हैं ब्लॉग बनोए हैं, पहले हम ब्लॉग नहीं जानते थे, बस ये जानते कि वीडियो बनती हैं कॉमेडी वीडियो ये अच्छी वीडियो ऐसे हम जानते थे, लेकिन ब्लॉग नहीं जानते। फिर जैसे तैसे हम आओ फर्स्ट ब्लॉग अब शेख सर ने बनवाओ, तो हम मामा बोले हैं कैसा बोल रहे हैं मामा, अब अपनों ब्लॉग को देखा तो हम बड़ी हंसी आओ करता है। क्यों? हम बोले ही रहे जाने कैसे हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय, एक एक शब्द हमें समझा रहे थे अब शेख सर। अच्छा। कि ऐसे ऐसा तुम्हें बोलने हैं, जब हमने ब्लॉग पहले स्टार्ट कर बनाओ तो मेरे कैमरा में कोई नहीं आता कि देखो अब ये वीडियो सबकी बनाई है, पहले चलो अपनी बनाती थी, अब ये ऐसो ले आए कि सबकी वीडियो ये बनाई है, यूं ना ही कहीं हम करवाए पाए हैं। पहले ये मेरी माँ ही ऐसे मुंह झांक लेती थी, हम नहीं वीडियो बनवाए गलत होता है। अच्छा। हाँ मामा मेरे मामा थे, मामा तो खैर खत्म हो चुके हैं। मामा पे आना चाहता था लेकिन आपने मामा को याद किया तो मैं आप शुरू से ही पहले ब्लॉग में मामा आए थे, वही वीडियो वही मामा के भाई पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बोल रहे, कॉमेडी भी करते थे सपोर्ट भी करते थे। तो आप जब मामा ख़त्म हुए थे मैं देख रहा था वो वीडियो, आप बहुत ज़्यादा मतलब उनको लेकर रोने लगी थी। हाँ। पूरे गांव के बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया लेकिन आप मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो महसूस किया आपने। हाँ नहीं ये हमेशा वो समझाते कि बिट्टी तुम वीडियो बनाओ अपने ध्यान देव करो लोगन की बातन बनाई, ये ऐसे लोग होते हैं ये मामा कहते थे। हाँ लेकिन भैया जो मामा थे वो मेरे सगे मामा नहीं थे, कोई बात नहीं। हाँ बात लेकिन बहुत सगे से ज्यादा हम मानते। तो शिवानी अब आगे जो कहानी बनती है कि अभिषेक जी आते हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी में पहला ब्लॉग बनाया, फिर हमने ब्लॉग बनाना मतलब अच्छा नहीं लगता था, हमें वीडियो बनाए मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। फिर हम उनसे कच्ची काट रहे थे कि नहीं हम पर नहीं हो पाई ब्लॉग, ब्लॉग 10 मिनट को 5 मिनट को 8 मिनट के हम कैसे बने हम पर नहीं बन पाई है, हम समझाओ कर रहे हैं हम कहाओ कर रहे हैं अब से हम बहुत दो दो घंटा समझाओ कर रहे हैं कि शिवानी तुम्हारे जैसे कोई नहीं बोल पाता है, तुम बहुत आगे जा सकती हो, तुम देख सोच नहीं सकती हो, जब हमें ये बोलो ना कि तुम्हारा छप्पर रखो है ना यहाँ में बहुत बड़ो घर बन सकता है, एक मेरे चाचा जी हैं उनको बहुत बड़ो घर है, वो हमसे कभी मतलब नहीं रखते हैं, गरीब लोग चार बेटियाँ थी तो मतलब नहीं रखते परिवार के लोग, तो बोले कि इनसे अच्छो तुम्हारा घर बन जाए। अच्छा अभिषेक जी ने ये बोला। हाँ कि तुम्हारा इनसे अच्छो घर बन जाए, बस तुम मेहनत करो लगन लगाओ दिमाग लगाओ जो हम बताएं बापा काम करो ऐसे बताते, तो इसलिए गांव की लड़की या गांव की लड़की इतनी उठती नहीं है, जब एक मौका मिला है तो उसको गवाओ ना आगे बढ़ो, तुम्हें देख कर बहुत लड़कियां आगे बढ़े हैं। तो फिर हम ठीक है, फिर हम धीरे 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 दिमाग लगाओ करें कैसे वीडियो बनाए कैसे, बस कि तुम वीडियो बनाओ एडिटिंग हम कर दो करें हम डारो करें, बस तुम जो भी तुम्हारे दिमाग में आए जो भी जैसे बस कैमरा उठाए बोलो। आपको पहली तनख्वाह कितनी मिली थी इसमें यूट्यूब से? जब पहली वीडियो से पेमेंट आई थी मैं 22,000, और उसमें समय ये भी नहीं कि एक रुपया खर्च करने को लिए मिल जाता। अमरीश पुरी ले ली क्या? अब शेख आए, अब शेख ना पूरी पेमेंट मम्मी को दे दी, अब हम बड़े खुश की मैं 100-200 रुपया दे दी है मम्मी, हमें एक रुपया नहीं दे एक रुपया नहीं खर्च कर ला हमने ले चलो। अब दूसरी पेमेंट आई तब हमने थोड़े अभिषेक कह दे थोड़े अंशुल कह दे, फिर हम धीरे 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 जब पैसा दिखा काम किया सबके ऊपर सबको दिया सबकी ज़रूरतें पूरी की, तब फिर धीरे 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 आने लगे कैमरे पे सब लोग, फिर हमने घर ये बनवाया इतना बड़ा,
जो अभी है ज़्यादा संघर्ष इसने हमने टिकटॉक पे किया था, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में अभिषेक ने संघर्ष किया, सबसे ज़्यादा उन्हीं ने सपोर्ट किया था। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप उनके बारे में इतनी बार नाम ले चुकी हैं। लोग जब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना, तो नीचे के जो हिस्से में रह जाते हैं लोग उनको भूल जाते हैं। शिवानी, आपको रोकने के लिए कितने लोगों ने कोशिश की होगी आज तक? सब नहीं करी, पूरे गांव भर ने पुलिस भेज देते कि न इनके इन पर लड़का मिला ना था, न रोको वीडियो नहीं बनबो चाहिए ये वो, पूरे गांव ने ऐसे दच उठा रखो तो कि कैसे भी करके ये कि वीडियो बनाए वो बंद करवा दें हम। अब जब हम कार पे अब चलते हैं उन्हीं लोगों के सामने, उन हजम नहीं होता है कि बताओ हमारे घर में काम करती थी, खेतन में जाती थी, हमारे खेतन में काम करती थी, आज ये हमारे सामने कार लेकर निकलती। पहले शिवानी गलत थी, आप शिवानी से ठीक हो गई। हाँ, शिवानी को रोकने के लिए पुलिस को भी भेजा गया, और जब पुलिस आई थी तो तब कैसा लगा आप लोग, एकदम डर गए होंगे सबके सब? क्या जब पुलिस आई तो हम दगा कई, क्या ये चलता है यहाँ, क्या चलता है? हमने कहा चल लो बताओ वीडियो वीडियो ये यहाँ लड़के आते हैं। हमने कहा आप लड़कन का रोको, हमें रोके हो? हमने कहा रोक पाओ तो रोक लो, जो आते हैं मिलन आप ले जाओ ना, यहीं बैठो, हमने पहरा दो। हमने ऐसी बात करी, तब फिर वो चले गए। फिर आए कई, लॉकडाउन है यहाँ आना नहीं चाहिए कोई भी। हमने कहा हमका काऊ को बुलान जा रहे, अब आते हैं तो आते हैं, हम थोड़ी ना कुछ कहते हैं कि आओ माए घर है। शिवानी, जब आगे कहानी बनती है, आपका घर बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो अब सब कुछ आपके पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि जैसे आप बिल्कुल तन्हा अकेली हैं आज भी? हाँ लगता है कभी, जैसे अब ये होता है कि कहा बताएं, बता दो ना पूछो क्यों आंसू आ रहे हैं मेरे, बता दो प्लीज, आप तो इमोशनल हो गई, बताओ ना। मतलब ये समाज सुनना चाहता है कि आज शिवानी के पास सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा खाली खाली सा भी है कुछ नहीं। पैसा आना एक अच्छी चीज भी है, एक ना भी अच्छी चीज है। होता है कि अब पैसा आने लगा, सब चीज तो अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं हम अपनी वो लाइफ मिस करते हैं कि जब मैं हमारे पास इतने पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं आती, ये भैया क्यों चला रहे हैं जी? पहले की लाइफ ऐसी थी कि पैसा नहीं है तो लेकिन खुश होते उस टाइम, लेकिन आज की लाइफ ऐसी है कि पैसा तो है, खुशी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। पहले बहुत ज़्यादा मेरे सर पे जिम्मेदारी नहीं थी, अब हमें एक जिम्मेदारी लेकर काम करने पड़ा था। शायद अगर हम वो जिम्मेदारी ना निभाएं कि मेरी मम्मी है, मेरी दीदी के 6 बच्चे भी हैं, दीदी है, जीजा जी है, अब पूरे घर की पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर चलते, एक हमारे ऊपर भार हुए वो। कभी कभी हम अकेले रात हैं तो ये सब चीज़ हम सोच कर ये लगा कि तो बहुत टेंशन होगी हमारे सर पर, काश अगर हमें कुछ हो जाए तो हम मेरे घर में का हो जाए, लेकिन कभी कभी कोई भी हमें नहीं समझा, ना मम्मी ना दीदी ना जीजा, कोई भी अगर बात कह रहे हैं। शिवानी मन छोटा मत करो, क्योंकि ये जो ये है ना, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही हमें खुशियाँ देता है, और ऊपर वाला ही हमारा कुछ ज़िंदगी का स्पेस खाली भी रखता है। और मैं वो आपका व्लॉग देख रहा था तो आपका कितना दिल टूटा था, किस तरह से जाके आप अपने बनते हुए मकान में पहुँच जाती हैं, वहाँ जाकर रोने लगती हैं। यहाँ तक कि हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि अलग घर भी बनवाए हैं। होता ना कि एक तर मम्मी की तो तबीयत खराब है, वो 4-5 साल से दवा खा रही है, तो
उनका माइंड गर्म रहता है हमेशा, कह रही हैं ठीक है, लेकिन जिसके 6 बच्चे हैं उन्हें तो समझना चाहिए। सही। कुछ भी बात कहो कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इतनी गर्मी से बोलेंगे कि जैसे ये मेरा खर्चा चला है। अलग दीदी माई बहुत अच्छी हैं, सुमन दीदी, उन्हीं के वजह से जो हमने ये घर बनवाया है ये सुमन दीदी के नाम पे किया है। अच्छा। हाँ, ये उनको दिया है घर, इसीलिए हमने अलग घर अपना बनवाया है। का पता हमें देश ही कल, हमें अपने गांव कभी नहीं छोड़ना, हमें ऐसा लगता है गांव छोड़ के चले जाए पता नहीं कहाँ कैसे रहें, एक हमें भी अपना घर बनवा लेना चाहिए गाँव में, इसलिए हमने वो गाँव में घर बनवाया। और ये भी है कि इनके बच्चे हैं, चलो हम जिंदगी जिंदगी भर का तो कोई ठेका नहीं ले सकता, अभी हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि अभी शिवानी कर रही है, हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे 6 बच्चे हैं उनका भविष्य बन जाए। फिर शिवानी जी, ये जैसे यूट्यूब है, जैसे टिकटॉक था, हाँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कह भी तो नहीं सकते, है कि नहीं ऐसा? हाँ। फिर आगे क्या होगा, ये बड़ी समस्या है शिवानी जी। अगर एक 2 सवाल हैं आपसे, पहला सवाल ये कि जो जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, तो अब तो खैर मुस्कुराएं आप, जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया था कि अरे नहीं ये तो थोड़ी सी सांवली है, क्या अगर वही लड़का आपको देखता भी होगा तो उसे लगता नहीं होगा कि यार मैंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है? अब पता नहीं क्या सोचा था। शिवानी को कैसा लड़का चाहिए आपको, मतलब ये समझो कि जिससे 70 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर्स और आपके जितने भी चाहने वाले हैं जो आपके यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कैसा लड़का आपकी ज़िंदगी में आए? ये तो भी सोचा ही नहीं है। कभी नहीं सोचा? ठीक, कोई बात नहीं, मतलब कभी नहीं सोचा, कभी ख्याल नहीं आया कि शिवानी बहुत बताओ, जैसे सपोज रेट कि आपको कल बिग बॉस से फ़ोन आ जाए या आपको किसी फिल्म में काम करने के लिए मौका मिल जाए, तो क्या आप आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना है? आगे की यही प्लानिंग है कि अभी अपने ब्लॉगिंग पे फोकस है, कि डेली ब्लॉगिंग हम करने लगे, उस पर तैयार भी कर रहे, उस पर बहुत सारी उस पर काम भी कर रहे हैं कि आगे ब्लॉगिंग पूरी कंटिन्यू करें, लोग पसंद करते हैं, कमेंट भी बहुत सारे करते हैं कि हमें डेली ब्लॉग दो, डेली ब्लॉगिंग करना चालू कर, अभी वो घर बन जाए फिर डिसाइड होगा डेली ब्लॉगिंग होनी है या एक दिन छोड़ एक दिन। अभी जो बनाती हैं आप, वो एक दिन गैप रखते हैं उसके बाद दूसरे दिन डालते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई ऐसी बात जो कुछ बताना चाहती हो कि? तो बहुत जल्द तो कुछ आप लोगों को सरप्राइज भी मिलने वाला है। अच्छा, क्या सरप्राइज? सरप्राइज तो नहीं बताएंगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मत बताइए आप। लेकिन ये है कि जिंदगी में ये लगता है कि अपने गरीब लोगों के लिए काम करें, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए काम करें, क्योंकि हम उस जगह से गुजरे हैं, वो सब चीज़ हमने देखी हैं। एक गरीब परिवार में जब लड़की की शादी होती तो कितनी दिक्कत आती है, बाप जो भी बाप होता है सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार, तो ये लगता है कि कभी गरीब लोग हैं। मेरी मम्मी भी ऐसी थी कि लड़की की शादी के लिए कुछ भी करवा लो, तो यही ये मतलब ये लगता है कि हम कुछ करें, हम करने वाले भी हैं, बहुत जल्द लोगों के लिए मदद भी करें ये भी सोचते हैं। और ये ज़्यादा सोचते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, हमारे घर में 6 बच्चे हैं, हमारी लड़ाई इसी वजह से होती है, आपको हम बता रहे हैं, दीदी के 6 बच्चे हैं, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सीखेंगे नहीं। आज हमें बहुत अच्छी पढ़ाई मिली होती तो शायद आज हम और कुछ भी आगे जा सकते थे, घर में सारे लोग शिक्षित होते तो भी बहुत अच्छा हो सकता था। अब यहाँ समझने वाले सिर्फ हम हैं, खर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक चल तो ठीक रहे हैं लेकिन ये समझें, वही चीज़ पे और फोकस करवाएं तो और भी अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ 6 बच्चे हैं, हमने जैसे तैसे तो एडमिशन करवाया, कभी ना बच्चों को स्कूल में जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कभी बच्चों से पूछते नहीं क्या तुम्हारी पढ़ाई में चल रहा है क्या नहीं। अरे तुम इतना तो कर सकते हो, बाप हो मातारी भी हैं ना, दीदी इस मामले में दीदी भी गलत है, बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करवा रही है, जबकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। सही बात। तो ये थी शिवानी कुमारी, और शिवानी कुमारी बता रही हैं कि
जिंदगी में शिक्षा का कितना मोल है, अगर वो आज पढ़ लिख लेती तो हो सकता है कि इससे बड़ा मुकाम हासिल कर लेती। यानी कि हो सकता है कि आज कहीं किसी ज़िले में किसी जगह पर ये ऑफिसर होती और वही चाहती हैं कि जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 या 6 बच्चे हैं, वो भी अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें तो शायद वो अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज शिवानी कुमारी से मिलके वाकई मेरा तो दिल गदगद हो गया है, और कई इनकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू भी हैं जो हंसती हुई दिखाई देती हैं बाहर से, अंदर से बहुत कुछ समुद्र की तरह ये बड़ा विशाल हैं, गहरे हैं, कि दुख है लेकिन उसे कभी किसी को जाहिर नहीं होने देती। लेकिन पता नहीं मेरे मुँह से क्या सवाल निकल गया और उसमें वो इमोशनल होती चली गई। दोस्तों ये व्लॉग आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ये कहानी आपको पसंद आई होगी शिवानी कुमारी की। अगर अच्छी लगे तो भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट जरूर कर देना क्या कि हमारी कहानी कैसी लगी, इनकी कहानी कैसी लगी आप प्लीज बताइएगा जरूर। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और जो भी लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं अपने माता पिता को समझाइए और आगे बढ़िए। जो भी लड़की आगे बढ़ना चाहती है वो अपने माता पिता को समझाए और आगे बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।